गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं जाने वाली हूँ दियोमाली। तो अभी मैं पैकिंग कर रही थी और यार बहुत गलत तरफ है, तो मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड का साउंड भी बहुत आ रहा है। तो गाइस हम लोग का जो रूम है वो हाईवे के सामने में, इसलिए गाड़ी बहुत मतलब बाहर का आवाज़ बहुत आ जाता है, तो इसलिए आई एम सॉरी। तो गाइस मेरा पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा बेसी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं पैकिंग कर रही थी इसलिए थोड़ा मेसी है। और इसलिए हम लोग यहाँ पे, मैं जहाँ वीडियो बना रही हूँ वहाँ पे हम लोग बैठते नहीं है, यहाँ पे बस हम लोग अपने सामान को रखते हैं ट्रॉली को। और मैं अभी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट मैगी, और अभी मैं मैगी खाने के बाद रेडी होके निकल जाऊँगी। ऑलमोस्ट मेरा पैकिंग हो ही चुका है, अभी थोड़ा चार्जर वार्जर बनाना है बस। तो अभी मैं निकल जाऊँगी यहाँ से डिब्रूगढ़ के लिए। इसके बाद जेम्स बिबम को, मेरे जो फ्रेंड है वो पासीघाट से आ रहे हैं, तो जेम्स बिबम को मैं रिसीव करूँगी। इसके बाद हम दोनों डिब्रूगढ़ से दियोमाली के लिए निकलेंगे। तो हमारा टिकट भी मैंने गियाकर को बुकिंग कर लिया था, तो वो भी रास्ता में आ रहे हैं बड़ा जेम्स। तो वो आ जाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे दियोमाली के लिए। और मैंने बहुत दिन से गाइस वीडियो नहीं बनाया, सॉरी। और प्लीज़ आप मुझे अनसब्सक्राइब ना करें अगर मैं कंटिन्यू व्लॉग नहीं बना सकती हूँ। तो मतलब क्या है कि थोड़ा समय का प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। और गाइस सबसे पहले मेरी ये चेहरा आप देख सकते हैं, मेरा कुछ दिन से मैं मतलब स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही थी, मैंने मामाअर्थ का ऑर्डर किया था, पर मेरे स्किन में पता नहीं, जब भी मैं कुछ नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ यूज़ करती हूँ, तो पता नहीं मेरे चेहरे पे मतलब मैच नहीं हो पाता, बहुत सेंसिटिव है, पता नहीं क्या है। तो मैंने सोचा कि तो स्किन केयर करती हूँ मैं भी, बट पता नहीं मेरा इतना ज़्यादा दाग निकल गया ना कि मुझे मतलब इतना टेंशन हो गया ये चीज़ को लेकर। तो मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू करूँ स्किन केयर या छोड़ दूँ, पता नहीं। तो गाइस अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ वैसे। और गाइस मैं अभी हाईवे में पहुँच चुकी हूँ, गाड़ी रुक रही हूँ, गाड़ी उस तरफ से आएगा मेरा, तो थोड़ी इंतज़ार कर लेते हैं। सो गाइस मुझे सीट नहीं मिला, इसलिए मैं वो बस में नहीं गई। और गाइस यहाँ असम में ना किसी का ट्रस्ट मत करना है, ठीक है ना, क्योंकि मतलब आप लोग को जगह है बोल के आप लोग को ऐसे ही खड़ा ले जाएगा और पैसा भी उतना ही लेगा। उसके लिए आप लोग अच्छे जगह देख के मतलब अच्छा गाड़ी देख के सीट है जहाँ पे वहाँ पे बैठिए। और अभी एक विंगर आ रहा है, वहाँ से मैं जाऊँगी, वहाँ पे खाली है ऐसा लग रहा है। गाइस इतना भीड़ भाड़ है और वो रहा जैम लिबांग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो रास्ता क्रॉस कर ले वो। चलो चलो ठीक है, चलो हम दोनों का टिकट मिल गया है। और यहाँ पे जैम हाय बोलो, हेलो। तो अभी हम लोग कुछ काम से नागा किचन जा रहे हैं, मेरे दोस्तों को सामान लेना था, तो उसके यहाँ से मैं सामान रिसीव करके निकल जाएंगे हम दोनों। और गाइस अभी हम निकल चुके हैं दियोमाली की ओर, और मैं डायरेक्ट दियोमाली पहुँच के मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अभी देवे जैम हम दोनों को लेने आया है, पीछे में और सुपरस्टार का बीच में हम बैठा हुआ है, इतना मजा लग रहा है। तो अभी हमको दोनों हमको छोड़ के वो दोनों वापस चला जाएगा, सब शाम को मिलेगा। सो गाइस मैं आज जेम्स और डेविड और लीचा, मेरे जितने भी दोस्त है, वो लोग को डिनर में इनवाइट किया है घर पर, डिनर पार्टी। तो जब मैं पहुंची, मतलब डेविड और जेम्स ने जब मुझे छोड़ा तब इतनी थक गई थी ना मैं, तो मैं सीधा पाँव हाथ धो के सीधा सो गए। तो इसके बाद अभी उठ के फ्रेश अप होके डिनर विनर वो लोग लिए रेडी किया मैंने। मम्मी ने कहा कि मेरा बेटा लोग आ रहे हैं, बेटा बेटी लोग, तो वो लोग लिए स्पेशल बनाऊंगी, वो बोला था। तो वो लोग मम्मी ने गमतोक बोलते हैं जो हम लोग स्टोन से बनाते हैं, तो वही मुझे मेरा तो फेवरेट है वो। बोलू जब आएगा इसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ी पार्टी वार्टी करेंगे, डिनर साथ में करेंगे। इसके बाद हम लोग अगर टाइम मिला तो हम लोग ग्राउंड में भी जाएंगे, और मैं आप लोग को हर मोमेंट का आप लोग को दिखाते रहूँगी। सो गाइस ये है लोकल वाइन, तो हम लोग इसे बनाते हैं राइस के मिडिल में, हम लोग बैम्बू से बनाए और टोकरी को ढाल देते हैं, यही में वाइन जमा हो जाते हैं। और गाइस अभी मैं बनाऊंगी खमजोंग, जिससे हम लोग की लैंग्वेज में खमजोंग कहते हैं, जो वाइन जिससे निकाला ना वही राइस को हम लोग बनाते हैं इसे पानी डाल के, और इसको थोड़ा डार्क बनाते हैं तो पीने में अच्छा लगता है, और थोड़ा लाइट भी होता है ना तो अच्छा लगता है पीने में। तो ये तो रेडी हो गया है गाइस, अभी इससे हम लोग
पी सकते हैं। तो गैस मम्मी ने जितना भी इंग्रेडिएंट्स है सब डाल दिया है मीट को काट के। तो यहाँ पर ड्राई बैम्बू शूट और हल्दी मसाला जिंजर गार्लिक सब डाल दिया, मिक्स कर दिया। और यहाँ पर स्टोन मम्मी निकाल रही है। कितना आवर्स गर्म किया इसको स्टोन को? वाह स्मेल, जब ये स्टोन डालते ना तब इतना खुशबू आते हैं। और ये मैंने अभी तोड़ के लेके आई हूँ मैं इसको। वो ढक्कन लगाएगा इसको। हमारे यहाँ ऐसे बनाया जाता है। और ये पत्ता तो बहुत यूज होता है हम लोग कबाब पे। लोकल का कुछ भी हम लोग को फिश स्टीम करना हो उसमें भी हम लोग यूज करते हैं इसे। और इससे मम्मी ने बिठा दिया और थोड़ी देर हम लोग इसे पकाएंगे और फिर मैं जब पक जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। वेलकम, थैंक यू दुकान के। चलो खाओ। जेम्स अच्छे से खाना, हम लोग को नहीं बोलेगा क्या? अच्छे से खाना सब लोग, अच्छे से खाओ। अरे भूख बंद करा के वो वीडियो स्टॉप कर दिया। और गाइस हम लोग डिनर करने के बाद हम लोग आ गए हैं ग्राउंड में और देखते हैं यहाँ क्या क्या प्रोग्राम देखने को मिलता है। और गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं एक स्टॉल में और यहाँ पर हम लोग ने कुछ खाने के लिए लिया है। तो हम लोग ने पीने के लिए वाइन लिया गाइस और उसके साथ हम लोग ने लिया चिकन का पिकल्स और लीवर का, ये पता नहीं इसको शायद स्टीम किया है। और ये है सियाल रोटी गाइस, नेपाली का जो डिश होता है वो है। तो ये भी हम लोग ने खाया। और गाइस ये है पोर्क का इंटेस्टाइन और ये बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, टेस्टी होते हैं। और इससे हम लोग लैंग्वेज में डीपुक कहते हैं। और गाइस ये है हार्ट जो कि फ्लावर से बनाया गया बैकग्राउंड और बहुत लोग लाइन लगे हुए हैं इसमें फोटो खींचने के लिए। Let's go.